गले मिलो सब दुरूद पढ़कर, हसद की दीवार तोड़ डालो, दिलों में बुग्ज़ और हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। गले मिलो सब दुरूद पढ़कर, हसद की दीवार तोड़ डालो, दिलों में बुग्ज़ और हसद रहा तो हुसैन का गम कहाँ रहेगा। लबों पे लिबत दिलों में नफरत, फरेबी आंखें मदान हस्ती। लबों पे लिबत दिलों में नफरत, फरेबी आंखें मकान बन दी। अरे बुला रहे हो बताओ जिसको, वो आ गया तो कहाँ रहेगा। बुला रहे हो बताओ जिसको, वो आ गया तो। चारों तरफ ये शोर मचा है गदीर में, काबे में दर बना था खुला है गदीर में, काबे में दर बना था खुला है गदीर में, हाथों पहे अली को मोहम्मद लिए हुए, हाथों पहे अली को मोहम्मद लिए हुए, हर एक रसूल झूम रहा है गदीर में, पहला अली का जश्न हुआ है गदीर में। और मोमिन है कौन कौन, मुनाफिक है देख लो, नस्लों का इम्तिहान हुआ है गदीर में, नस्लों का इम्तिहान हुआ है। राह की हुई है इनायत गदीर में, अल्लाह की हुई है इनायत गदीर में, पूरी हुई हमारी शरीयत गदीर में, पूरी हुई हमारी शरीयत गदीर में, अतमम तो से हुआ है ये साबित गदीर में, अतमम तो से हुआ है ये साबित गदीर में, हम पर तमाम हो गई नेमत गदीर में, हम पर तमाम हो गई नेमत गदीर में। है चेहरे निफाक पे उड़ती हवाइयां, है चेहरे निफाक पे उड़ती हवाइयां, महसूस मोमिनों से है रहमत गदीर में, महसूस मोमिनों से रहमत गदीर में। कभी अफजल अगर बादे खुदा कोई नहीं, जुज नबी अफजल अगर बादे खुदा कोई नहीं, बादे पैगंबर अली से भी बड़ा कोई नहीं, इस जहां से उस जहां तक है मेरे बारा इमाम, और हैं वो लोग जिनका आसरा कोई नहीं। जब नबी ने कह दिया है हक अली के साथ है, हक अली का छीन कर मुस्लिम रहा कोई नहीं, बुग़्ज़े मौला में मुनाफिक चलती फिरती लाश है, हुब्बे हैदर में शहादत है मरा कोई नहीं। हाकिम सिर्फ वो बन सकता है जो खालिक हो या मालिक हो, तो किसी पर अख्तियार उसी का है ना, इसको हमने खरीदा है, हम तोड़े फोड़े कुछ भी करें हमें अख्तियार है, यह हमने बनाया है। अख्तियार हुकूमत का अख्तियार, ऑर्डर देने का हक सिर्फ उस शख्स को हो सकता है, उस हस्ती को हो सकता है जो खालिक हो और मालिक हो। कौन इंसान किसी का खालिक है, किसी का खालिक, कौन किसी का मालिक है, किसी का मालिक, खालिक और मालिक जो है उसी को हमने हुकूमत होता है, उसका नाम अल्लाह है। जिसे अल्लाह इमरता इल्ला लिल्लाह, अब ये देखें कि अल्लाह ने हक हुकूमत अपने तक महदूद रखा है या किसी को दिया है, या किसी को दिया है। हम जब कुरान मजीद की आयतों को देखते हैं तो कुरान मजीद में हक हुकूमत सिर्फ तीन लोगों को है, हस्र है, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहू वल्लज़ीना
नाम नहीं है। बाद में कहते साहब अगर रहमते आएंगे तो वो जो है सिफत किसके ऊपर मुंतकिब होती है, खुदा किसका नाम लेना चाहता है। बाद में कहते साहब तीसरे का भी नाम ले लेते, क्या जरूरत थी सिफत बयान करने की, अगर वो मुराद थे तो नाम लेने में क्या परेशानी थी। नहीं, कुरान का मेथड ये नहीं है। हर किताब का एक मेथड होता है ना, उस किताब को उसी जो है मेथड की रोशनी में समझने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान का मेथड ये नहीं कि हर बात को तफसील से बयान कर दे, डिटेल से बयान कर दे। नमाज इतना अहम कानून है इस्लाम का, इतना अहम फरीजा है, तफसील है। उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक, किसके उस्ताद? बुखारी शरीफ वाले थे, इमाम बुखारी के उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं। मैं असल इबारत पढ़ू यहां पर उनकी किताब से, कि इस आयत के बारे में, एक आयत कैसे नाजिल, वो कौन था जो नमाज पढ़ लाता और रखा देती, उसने वो लिखते हैं कि वाकफा बे अली साइलुन, मौला अली के पास एक साइल आकर के खड़ा हो गया। वह हुआ राकिउन फी सलातिन ततव्वुइन, और वो मुस्तहब्बी नमाज पढ़ रहे थे, हालत रुकू में थे। अली मुस्तहब्बी नमाज के रुकू में थे, साइल उनके पास आकर के खड़ा हो गया, यानी मानने के लिए। फनदा खातिमहु फआता, अली ने अंगूठी उतार करके साइल को दे दी। फअता रसूलुल्लाह, साइल अंगूठी लेकर के रसूल खुदा की खिदमत में आया और आकर के किस्सा सुनाने लगा। इधर वो साइल किस्सा सुना रहा था, उधर जिब्रील कहानी सुना रहे थे। فنزلت على النبي هذه الآية, जिस वक्त साहिब किस्सा सुना रहा था उसी वक्त जिब्रील अमीन ये आयत लेकर के नाजिल हो गए। क्या? انما وليكم الله ورسوله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون।